तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मजे में होंगे। सो गाइस, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, हिंदू नारी का रौद्र रूप देखकर मौलाना भी भाग गए। आप इन लोगों को पता नहीं है हमारे भारत के नारी कैसे होते हैं भाई। जब अपने पे आ जाते हैं ना, तो जो लड़के होते हैं और जो आदमी होते हैं, वो तो भाई घुटने टेक देते हैं अपने औरतों के आगे। तो ये मौलाना क्या चीज है भाई? तो गाइस, देखते हैं वीडियो में, और वीडियो को लास्ट तक बने रहना कि कैसे मौलाना को अच्छे से धोते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरा एंजॉय करना गाइस। और गाइस, जो भी इस वीडियो पे नए हैं, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके नोटिफिकेशन में मिलते रहे और ऐसी ऐसी वीडियो आप देखते रहें। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं और आप लोग इस वीडियो का एंजॉय कीजिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई। अच्छा ठीक है, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। श्लोक पर ये व्हाट्सएप मैसेज से आप ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए। श्लोक सुनाइए। लो भैया, शुभराष्ट्र करिए, अपनी बात पूरी कर लूं। पक करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा आपके कुछ भी कैच करके चली जा रही है, माँ सीता और लक्ष्मण के बारे में आप कुछ भी बक के चले जा रहे हैं। अमीश, कैमरा दिखाओ। कौन सी ऋचा की बात कर रहे हैं आप? पढ़िए, आप बोरिचा पढ़िए। से कहिए एक तो तमीज से बात करिए। वो श्लोक पढ़िए। वो से कहिए एक तो तमीज से बात कीजिए। आपकी बोलने से कहो तमीज से बात करे। अगर आपको सनातन धर्म का पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो आप। अमीश, ये क्या है? आप श्लोक पढ़ो। मैं पौन घंटे में बोला हूँ और मैंने एक सच्ची बात रखी है और ये क्रिमिनल आ गई। वो कह रहे हैं आप श्लोक के सामने, इनको आईना दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया। दीजिए तो जरा ऋग्वेद दीजिए। नहीं नहीं, मैं आज फैसला करूंगी। ऋग्वेद लाइए वहां। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। श्लोक पढ़कर सुनाइए। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पेज नंबर 833। श्लोक पढ़िए। आपको चैलेंज करा जा रहा है। आप बताइए ऋग्वेद में कौन सा श्लोक है, उस श्लोक सामने रखिए। शिवराष्ट्र कह रही है मैं श्लोक सामने रखूंगी। ऋग्वेद की जहाँ तक हमें जानकारी है, ये नहीं है उसमें कहीं। गुस्से में तो भाई साहब आग बबला हो रखी है एकदम। आप बोलिए रशीद, आपको नहीं जानकारी है कुछ भी। रशीद साहब बोलिए। मैं आपको अमीश देवगन अरे तो श्लोक कैमरामैन से बोल रहा हूँ, बस सुना दो। ऋग्वेद के हवाले से बोल रहा हूँ, प्रकांड विद्वान पढ़ रहे हैं। मैं कैमरामैन से, अरे कैमरामैन थोड़ी श्लोक बताएगा। सही बात है। नहीं नहीं, मेरी किताब दिखाए। अरे क्या किताब देखिए, आपको मैं मौका देता हूँ, किताब को उठा के लाइए, दिखा दीजिए। आप नहीं हो जाता शिवराष्ट्र, किताब लिखाने दिखाने को तैयार है? सच नहीं हो जाता ऐसे, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अच्छा नहीं, मेरे पास चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अरे कौन सा, पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। बोल आपको ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नंबर की तमीज नहीं बात करने की। आपको क्रिमिनल आ गई, आपको पेज नंबर बताइए ना। आप क्रिमिनल आ गई, सही बात है। पेज नंबर बताओ, पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने, एक सेकंड, इत्मीनान से बात करने की, आपको तमीज से बात करने की, पेज नंबर बता। आपके तमीज से बात करने की, पहले तो आप माफी मांगिए इस बात के लिए। आप क्या बता, क्या बता बता क्या कर रही हैं? शर्मा के साथ बता बता क्या कर रही हैं? शिव को लेकर बहुत ही बता बता क्या कर रही हैं? और आज आपको तमीज से बात करने की, आपको तमीज है बात करने की, चैलेंज करती हूं तू बता किस पे। आपको तमीज है बात करने की? नहीं, पहले तमीज सीखिए। तो मुझे पेज नंबर, पहले तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले आज पकड़ के मारे, तमीज नहीं रखूंगी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। पेज नंबर बता, श्लोक बता। मोहतरमा तमीज सीखिए, मोहतरमा तमीज सीखिए। आपने देखिए, एक सेकंड, मैं निवेदन कर रहा हूं। शुभराष्ट्र, शुभराष्ट्र, आज मेरे लिए बहुत नहीं, आप स्क्रीन पे शुभराष्ट्र, जाहिलों के साथ बहस नहीं कर सकती। जो नेशनल टेलीविजन पर आप नहीं, आपको चैलेंज किया गया है मौलाना रशीदी। और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ, मौलाना रशीदी, हिंदू भाई बहनों, एक सेकंड, शुभराष्ट्र, 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 इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल, देखिए एक सेकंड, आपने आपने ऋग्वेद को कोट करा, यू स्टार्टेड इट। आपने बोला ऋग्वेद में ये लिखा है, आपने बोला ऋग्वेद के फलाने पेज में लिखा है। शुभराष्ट्र ने सिंपल बात बोली, आप मुझे दिखाइए, मेरे पास ऋग्वेद की कॉपी है,
आप मुझे बताइए कौन से पेज पे क्या लिखा है, मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ, अगर आपको पता तो आप सुना दीजिए। एक कौन है ये लोग? सही बात है, कहाँ से आते हैं? अरे ये सो गाइस ये था वीडियो, आप लोग देख ही लिए। इन लोगों भाई सब कुछ पता था होता नहीं है, बस एकदम समझ लो कि चढ़ जाते हैं सर के ऊपर। तो ऐसे ऐसे लोग है गाइस, मतलब भाई तुम कैसे झूठ बोल सकते हो यार हमारे वेद के बारे में? आप लोगों ने देख ही लिए, हमारे मैम बिल्कुल सही गए थे, आप तुम वेद तुम श्लोक बताओ, मैं पेज नंबर बताओ, मैं देखती हूँ कहाँ लिखा है। और वो कह रही है कि बदतमीजी वाली तुमने बात की, तुमने हमारे धर्म के साथ तुमने आवाज कैसे उठाया? तो गाइस ये है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट में जरूर बताना, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके नोटिफिकेशन मिलते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो आप देखते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।